वेलकम टू आवर चैनल डिजायर आई एम मैं आप लोगों को जो है वो सोशल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिजाइज प्रिजोर क्या होती है वो हम हर कोई आम तौर पर करता है ठीक है ना ये हमारे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सोशल साइकोलॉजी जो सोशल साइकोलॉजी होती है वो हमारे इर्द के जितने भी हमारा सोशल नेटवर्क होता है ना जितने भी हमारे सोशल फ्रेंड्स हर कोई वो काम कर रहा होता है मोस्टली हम भी कर रहे होते हैं ठीक है

किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग करते हैं एक तरह से हम प्रिजोराइज को अकॉर्डिंग टू ऑल तो दलपोर्ट इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रियजोराइज होता है वो साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ नेगेटिव ओवर जनरलाइज जजमेंट होती है नेगेटिव ओवर जनरलाइज जजमेंट हम जो हैं किसी भी ग्रुप के खिलाफ जो है किसी भी ग्रुप के ऊपर जो है ना नेगेटिव जजमेंट करते हैं एक तो नेगेटिव जजमेंट तो होती है लेकिन एक सेकेंडली ये होता है ओवर जनरलाइज होती है एक नेगेटिव जजमेंट और सेकंड क्या होती है ओवर जनरलाइज जजमेंट होती है कि हम नेगेटिव भी करते हैं साथ साथ उसके ऊपर ओवर मीन्स के एक सिंपली बात की है हम उसको ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लेंगे कि भाई एक सिंपल बात की है कि नई न्यूज़ तो हमें ये भी, कर, ये भी क्या है ये भी क्या है डैडी सब अब इसमें एग्जाम्पल आ रही है पीपल कैन बी प्रोजराइज अगेंस्ट एल्स ऑफ अ डिफरेंट एथनिसिटी जेंडर और रिलीजियन हम किसी को भी प्रोजरइज कर सकते हैं किस किस बेस पे एथनीसिटी के बेस पे जेंडर के बेस पे रिलीजन के बेस पे हम एक दूसरे को रिलीजियस बेस पे आप जो है प्रोजोटाइज कर रहे होते हैं जेंडर बेस पे गर्ल्स एंड बॉयज़ ठीक है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजोटाइज होते हैं एथनीसिटी है के हमारा ना ब्लैक एंड वाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोजोरइज होता है कि भाई ये काले हैं तो हमने इसके साथ नहीं बैठना ये सफेद हैं तो हमने इसके साथ ये नहीं करना सो दैट्स डेट ज के अंदर किस किस तरह के कि प्रिजोराइज आ सकती हैं एक रेशियल होती है फर्स्ट सेकेंड है जेंडर प्रियजोराइस एज क्लास एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, है ना वो कहते हैं एवो रेस इज अ माइनॉरिटी एक जो रेस होती है ना वो माइनॉरिटी होती है मीन्स कि हर जगह पे वो रेस कहीं ना कहीं माइ नोरिटी में आ जाती है इन 1942 मोस्ट अमेरिकन एग्री डेट देयर शुड बी सेपरेट सेक्शन फॉर नेग्रोस ऑन स्ट्रीट कार्स एंड बसेस कहते हैं नाइनटीन में अमेरिकन ने इस बात पे एग्री किया था कि जो नेगरोज है ना उनके लिए अलग से स्ट्रीट कार्स रखे जाएँ और उनके लिए बसेस कि इवन ऐसा भी होता था कि जब बसेस में वाइट और ब्लैक होते थे ना तो जब अमेरिकन वाइट पीपल जब का बस के अंदर आता था, था ना तो ब्लैक अपनी सीट उसको उठ के देनी पड़ती थी एक साथ स्कूल में वो कट्ठे बैठ नहीं सकते थे मोस्टली एक स्कूल में ब्लैक एंड पढ़ भी नहीं सकते थे तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा जो है उन्होंने की थी अब सेकेंड वन आती है जेंडर प्योडाइज जेंडर प्योडाइज क्या है की जेंडर पर्टिकुलर ग्रुप कि हम एटीट्यूड के ऊपर हमारा होता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में ऑल मीन ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज ठीक है ना अब हर जगह पे अगर तमाम गर्ल्स हैं ना तो उससे बॉयज़ के ऊपर पिक्चर हम लोग करेंगे मीन्स के कोई भी एक सर्टेन ग्रुप जो है उसके ऊपर स्पीयोरिटी होता है और एक जेंडर जो है एक सपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है उसके अंदर जो जेंडर होता है ठीक है ना अब इसमें हम लोग देखते हैं कि द एटीट्यूड एज गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड मैथ एंड साइंस एज वेल एज बॉयज इज़ अ लॉन्ग हर्ट एक एटीट्यूड होता तो यह है कि जो गर्ल्स है ना वो मैथ एंड साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती लेकिन जो बॉयज है ना वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है समझ लेते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं डेट इज अ जेंडर प्योडाइज हो सकता है लड़कियां ज्यादा मार्क्स लें लड़कों से मैथ में और साइंस में हो सकता है ना ऐसे लेकिन एक तरह से ये प्योर हमारा बन चुका हुआ है नेगेटिव जजमेंट हम लोगों ने बना ली हुई है कि नहीं ऐसा ही होता है डेट इज अ जेंडर प्योराइज एज क्या होता है एज पीजाइज इज़ दैट वन स्टेट पास लॉस लिमिटेड द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन इन लेजिस्लेशन दे आर एक्टिंग ऑन द एज पीडियोज कोई भी एक स्टेट जो है वो पास करी है लॉ कितना राइट ऑफ चिल्ड्रन में के लेजिस्लेशन में वो इस एज के लिमिट के बाद ही मतलब आप अपना काम कर सकते मीन्स के हमारा नहीं होता किस एज के बाद जो है हम लोग जो है वोटिंग के लिए जा सकते हैं इस एज के बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं मीन्स के स्टेट ने एक लॉ पास कर लिया है तो ये इस बेस पर है ये एज पीडियोज की बेस पे है क्यों क्योंकि कहते हैं कि लेजिस्लेशन के अंदर क्यों होता है कि हो सकता है कि एक सर्टेन एज जो है बिलो अगर सपोज हम कह देते हैं बिलो एटीन जितने भी एज है ना ये जो सर्टेन एज है ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकती लॉ मेकिंग डायलॉग्स के अंदर कि जितने भी लॉ बनाने का तरीका है लॉ के फंक्शन है किस तरीके से लॉ प्रोसेस होता है उनको नहीं मालूम होता ठीक है जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने कहा हुआ है कि भाई इस सर्टेन एज के जो लोग हैं ना मेकिंग डायलॉग्स के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उसका पर्पस पता कर सकता मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं और एक एग्जांपल एक यहाँ पे ये भी है बिलीफ डेट ऑल्डर पीपल डोंट एबिलिटी टू लर्न एंड एक्टिंग अपॉन एज जब हमारे जो एल्डर पीपल्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं किस चीज़ के लिए इंस्टॉल इंटरनेट टेक्नोलॉजी या आप अपने घर में भी देखेंगे कि जो हमारे दादा दादी हैं हाथा के हमारे जो कुछ पेरेंट्स भी होते हैं वो लोग टच फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज उनको नहीं मालूम होता उनको यूज़ कैसे करना है उनके फंक्शंस कैसे हैं उनकी एप्स के बारे में हाँ अपने फ़ोन कॉल्स कैसे करनी है एस एस कैसे करने हैं सो डैट्स वाई दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने में बिकॉज उनका बिलीव होता है जो ऑलर पेपर होते हैं उनके इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लर्न कर सके और यूज कर सके इंटरनेट को तो वहां पे हम लोग किस चीज के ऊपर एज प्रोडाइस कर सक। हो सकते हो सकता है कि अगर उनको सिखाया जाए तो वो सीख जाए बट यहाँ पे आ जाती है कि एल्डरली पेपर नहीं सीख सकते उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है देन आता है क्लास क्लास क्लासा क्या है अब क्लासिज्म में आप मिडिल क्लास लोअर क्लास और हाई क्लास को भी देख सकते हो क्लासिज्म में आप लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि भाई इसके ज़्यादा इसके कम है कि मीन की सर्टन लेकिन यहाँ पे है इकोनॉमिक क्लास एक क्लास जो है वो इन्फीरियर है एक दूसरी क्लास में से ठीक है ना इन सम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्लासिज्म इज इम्प्लॉयड बाय द रूलिंग क्लास एज अ बेसिस टू लिमिट द राइट ऑफ अ लोअर क्लास कुछ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ना इस तरीके से एम्प्लॉय की क्लासिज्म की गई हुई है कि जिसमें जो लोअर क्लास के लोग हैं ना उनकी राइट्स को लिमिट किया गया है उनकी पे को लिमिट किया गया है दिस इज़ अ क्लास प्रोजोडाइज एंड द लास्ट वन इज डिसबिलिटी प्रोजोडाइज और इज मोस्ट मोर इंटरेस्टिंग प्रोजोडाइज आई हैव एवर सीन जो एबिलिज्म होता है ना वो रेफर करते हैं उस बिलीफ को विद फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी और हैंडी आर इन्फीरियर टू एबल बॉडी पीपल ये रेफ़र ऐसे करता है कि उन लोगों को कि जिनके अंदर जो फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी होती है ना हैंडीकैप्स होती हैं उनका जो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शंस के जो लोग होते हैं ना उनसे प्रोजराइज किया जाता है उनको लगता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना वो सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर सकते ठीक है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेस पे होती है कि हम हमारी हाउसिंग के बेस पे होती है हेल्थ केयर में होती है एम्प्लॉयमेंट में होती है एजुकेशन में होती है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती है उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाती है ना ही इतनी अच्छी जो है हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं तो डेज इज़ अ डिसबिलटेड प्रोजेक्ट आइज़ कि हम लोगों को लगता है कि जो एक डिसेबल पर्सन होता है ना वो इस चीज़ों में परफॉर्म नहीं कैसा हो सकता है बिकॉज ऐसे होते हैं अगर जिनको हम लोग कह सकते हैं लाइक ऑटिज्म बेस्ड है होते हैं या टी के बेस्ड पीपल होते हैं हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं कि कुछ ऐसे वो पैकेजिंग का काम कर सकते हैं या कुछ इस तरह के वो काम कर सकते हैं बिकॉज हैव हैव बट कि हमें लगता है वो कम से नहीं करेंगे अब हमने कॉज इसके डिस्कस करने है कि कॉज क्या है तो सबसे पहले आता है रिलीजियस फैक्टर्स पीपल हु बेनिफिट्स फ्रॉम सोशल इनक्वालिटीज बिलीव इन गॉड हैज़ द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ठीक है ना जिनका इनक्वालिटीज़ होती है ना सोशल अगर वो रिलीजियस होंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये एक ऑर्डर चल रहा है सो so ये ऐसे ही चलेगा बिकॉज इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस चर्च मेंबर्स एक्सप्रेस मोर प्रोजोटाइज दैन नॉन मेंबर्स जो चर्च मेंबर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोजोटाइज होते हैं दैन नॉन मेंबर्स के सेकेंड आता है सोशल स्टेटस स्टेटस अन एकवल स्टेटस ब्रीड्स प्रिजोर जो अनकुल स्टेटस होता है ना वो भी प्रिजोराइज करता है मीन के लोअर क्लास मिडल क्लास हाई क्लास ये क्लासेस भी जो होती है ना प्रोडाइज के वे मतलब बहुत अहम रोल प्ले करती हैं हिस्टोरियन डिबेट द फोर्स इनिक्वल स्टेटस जो हिस्टोरियन है so, उन्होंने डिबेट किया था अन एकक्वल स्टेटस के ऊपर कहते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू द जैपनीज पीपल बिकेम द जैप्स वर्ल्ड वॉर टू में ना जैपनीज लोगों को कहा जाता था जैब्स लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी ना दे बिकेम द इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग उनको भी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कहा गया क्यों उन्होंने इतना मतलब अच्छा काम किया अपने आप को इतना इंप्रूव कर दिया जिसकी वजह से जिस उनको हार्ड वर्क किया इंटेलिजेंट कहा जाता है, है। अभी हम देखें आप जैपनीस को क्या कहते हैं यार वो लोग तो बहुत आगे जी रहे हैं उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है वहाँ पे जल्द आ जाए यार वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को कवर अप कर लेते थे हैं ठीक है ना ब्लेमिंग अदर्स एक बहुत अहम चीज अदर्स भी होता है, है। कि जब हम फेल होते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं यार हमने कोशिश नहीं की हमने पढ़ा नहीं अगर हम पढ़ लेते ना तो हम लोग सबसे अच्छे मार्क्स देते ठीक है लेकिन अगर कोई और फेल होता है ना हम कहेंगे वो है इसलिए वो फेम हुआ है तो ब्लेमिंग अदर्स इज वन ऑफ द मेन थिंग जो प्रिजर के अंदर रोल प्ले करती है द वे यू थिंक द इन एटीवल बाई प्रोडक्ट द वे वी प्रोसेस एंड ऑर्गनाइज इंफॉर्मेशन इन अदर वर्स इज़ द डार्क साइट ऑफ अ सोशल कॉन्गनेशन की हम लोग किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि हमारे डार्क साइड सोशल कांगनेशन की नेक्स्ट है माइनॉरिटी वॉज माइनॉरिटी सिचुएशन ब्लैक वर्सज़ प्राउन एंड ब्लैक वर्स इज स कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन है ठीक है न वो फेल हो गया है क्यों जॉब के लिए और उसने ब्लेम किया है रेसिज्म पे कि रेसिज्म की वजह से उसको जो है जॉब नहीं मिली हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो सो दे माइनॉरिटी का है माइनॉरिटी के साथ लिंक हम उसका अफेक्ट देखेंगे हमारे ऊपर अफेक्ट क्या आता है हमारी पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है पीपल हु हुर एक्सपोजिट स्टी टाइप्स आप जो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में आप उसमें पूरा टॉपिक है आप उसको पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि स्टीरोटाइप क्या होती हैं पीपल हु आर टू 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 अबाउट देयर ग्रुप अब दो लीडिंग परफॉर्मेंस कहते हैं कि जिनके जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना उनकी वजह से वो लोग पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर लीड करती हैं फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम कि अफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर भी कि डॉक्टर कहते हैं कि पता है कि जो स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रोक होते हैं कैंसर होती है डायबिटीज़ सारी चीज़ें जो होती है ना न्यू सेच है उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस होता है जैसे ज़्यादा डिसीज़ है मीन्स कि हमें मालूम है कि आजकल जो डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा है हार्ट अटैक कितना ज़्यादा है स्ट्रोक कितना ज़्यादा कैंसर है, है लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है ना वो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस है और ये कहा जाता है कि जो वैन वाइट मैन है ना वो सात साल ज्यादा जीते हैं ब्लैक मैन से क्यों क्योंकि ब्लैक मैन को रेसिज्म का फेस करना पड़ता है ड्रग यूज ड्रग यूज़ भी बढ़ गया है तो प्रिजोडाइज की वजह से क्यों एक स्टडी के अकॉर्डिंगली टू थाउजेंड टी फाउंड डिस्क्रीमिनेशन इनक्रीज मोमेंट यूजिंग हार्ड ड्रग्स बस पाकिस्तान में नहीं कह सकते लेकिन अगर आप हम अमेरिका और यूरोप मालिक में देखें तो so, वहाँ पे वुमेंस जो हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ज़्यादा ड्रग्स यूज कर रही हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है एक तरह से ट्रीटमेंट ऐसा कोई वो नहीं है एज सच लेकिन एजुकेशन में ट्रीटमेंट होता है हर चीज़ का मीनस का तो कोई भी प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी के अंदर वो एजुकेशन ही उसको ठीक करता है तो कहते हैं कि जो एजुकेशन होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसकी वजह से हम प्रोजूराइज को रिमूव कर देते हैं एजुकेट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से अपने अंदर से हमें अपने आप को बताना है ये चीज़ हमें ओवर जजमेंट नहीं करनी हमें नेगेटिव जजमेंट नहीं करनी हमें बिला वजह किसी के ऊपर ऐसे ही मतलब हम लोग ऐसे कह देते हैं किसी के बारे में अल्लाह यार वो ऐसा है ऐसा क्यों है मतलब लाइक हम किसी के बारे में कोई बात ही ना करें ठीक है ना और एजुकेशन पर्सन टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी बाय प्रिजाइज और कहते हैं हमें एजुकेशन बताती है कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम ना प्रिजाइज की वजह से सोल्व नहीं हो सकती है देन ग्रुप इंटरेक्शन द मेजोरिटी ग्रुप इज प्राइज अंगे माइनॉरिटी ग्रुप एंड हार्ट अंगेस्टम जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है ना अब खुद देखो अगर कोई दस ग्रुप्स के मेम्बर हैं और दो लोग हैं जो दस लोग होंगे ना वो जगह बैठे होंगे मेजोरिटी होगी उनकी प्रिजोराइज होगा किसकी जो अलग अलग बैठे होंगे ना उनसे कि भाई इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है ये लोग ऐसे हैं मीन्स क्योंकि वो मेजोरिटी ग्रुप है ना तो उनके प्रोजोराइज हो जाएगा माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर इट इज़ ए ने माइनॉटी ग्रुप तो ये नेसेसरी है कि हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करें माइनॉरिटी ग्रुप को दिस ऑल द टॉपिक अबाउट स्टीरो आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ये मेरा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा इसके अलावा मैं किस तरीके से अपना लेक्चर अच्छा करूं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच्ला हाफिज़ टेक केयर